सोमू सर, एम आई ऑडिबल? सोमू सर, एम आई ऑडिबल? ओके, सो थैंक यू हिमानी मैम, आई गॉट योर मैसेज दैट आई एम ऑडिबल. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई होप यू ऑल आर इन योर गुड हेल्थ एंड ओबेइंग द स्टे एट होम ड्राइव बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग माय टुडे सेशन दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी. आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंसेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा. So the topic of my session is learning disability. But before going into the details of learning disability, what do you mean by learning disability? How many types of learning disability are here? So first, let's discuss about the root and the origin of learning disability. So सबसे पहले बात करते हैं कि learning disability होती क्या है. Learning disability में दो शब्द हैं. One is learning and another one is disability. As we all know that disability is very very and very common word. हम आम भाषा में इस शब्द को यूज़ करते हैं. अक्षमता या फिर किसी भी काम को करने की, हम किसी तरीके से काम को नहीं कर पाते हैं, वो disability होती है. So same meaning learning disability में disability का यही है, किसी भी काम को ना करने की शक्ति या किसी भी काम को ना करने की ability is disability. But here disability is attached with the word learning. That means, अगर हम simple सी भाषा में समझने की कोशिश करें तो learning disability is disability in learning. क्यों? क्योंकि disability learning से attached है. यानी कि अगर हम बात करते हैं, so it is disability in learning. But disability तो बात हो गई कि हम किसी भी चीज़ को काम नहीं कर पाते हैं या कोई inability है किसी काम को करने की. पर जब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात आती है, इट मीन्स डिसेबिलिटी इन लर्निंग. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्निंग. लर्निंग अगर प्योरली टीचर एजुकेशन के फील्ड में बात की जाए, इट इज अधिगम, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. बट अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, इफ वी अंडरस्टैंड लर्निंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज जस्ट अ चेंज इन पर्सन्स बिहेवियर. मीन्स वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर चेंज इज ब्रिंकिंग इन योर बिहेवियर, इट इज़ कंसिडर्ड एज योर लर्निंग साइकोलॉजिकली. बट अगर हम एक जनरल से सेंस में लर्निंग को समझना चाहें, तो लर्निंग इज जस्ट लर्निंग समथिंग न्यू. अगर हम कुछ नया सीखते हैं, बट नोट हियर वन पॉइंट, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू लर्निंग समथिंग, यू नो, लर्निंग समथिंग न्यू. आई मीन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू adding on something new to the old version of a skill. For example, अगर एक छोटे से child की बात करते हैं, जिसमें कि हम starting में सिखाते हैं इस particular student को कि वो 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले and 4 बोले, and subsequently we try कि वो that particular child starts learning from 1 to 10, then 10 to 20 and so on. So this becomes learning. Here, if we understand, if we try to, you know, impart education to a particular child of a class 3, so we are adding something new to the previously acquired, previously detailed version of a knowledge of that particular child. हम यहाँ पे कुछ नया नहीं दे रहे, but जो पहले से ही उसको मालूम है, हम उसमें कुछ add on कर रहे हैं. That becomes also a learning. That means learning is not only related to हम कुछ नया सीखते हैं, it is also related to adding something new to the previously acquired information. So this becomes also a learning. So अब हम ये सारी बातों से एक चीज़ क्लियर हुई कि लर्निंग के अंदर यदि हम कोई नया चीज़ सीखें या फिर कोई पुरानी ही चीज़ में कुछ नया ऐड करके ब्रशअप करते हैं, सो इट इज़ ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू वन आस्पेक्ट, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. इफ वी आर एडिंग समथिंग न्यू टू द इन्फॉर्मेशन, सो इफ वी आर एडिंग समथिंग न्यू टू द इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दी only one part, that is information. Here, if we are doing anything related to the information, anything related to the change in behavior, the only one concept comes is information. So what is information? It is just the predefined set of data.
But the thing comes is, in our whole body, which is the particular organ which is responsible for coding, for interpreting information, and for any other thing, that is our brain. Only our brain is responsible for executing our information, for interpreting our information, for storing our information, for execution of any other advanced level of information. So the only part which is involved in information relaying, in information execution, is our brain. So in sari cheezon ka jo main mukhya kendra hai, wo hamara dimag hai, hamara brain hai, hamara mastishk hai. So hum keh sakte hain ki learning disability mein yadi koi cheez involved hai, that is our brain. So this is a disability which is somewhere related to our brain only. Why? Because this is a disability in the domain of learning, which is indirectly related to our brain. So in this way, how we define learning disability is, it is a neurological condition. It is a neurological problem in the brain of a child, where a child is unable to learn something. अब हम अगर बात करें to learn something, किसी चीज़ को जानने की, किसी भी चीज़ को सीखने की, तो सिर्फ किसी भी अपने बिहेवियर में चेंज लाना, नए स्किल को सीखना ही लर्निंग नहीं होती. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्रोनंसिएशन, टू डू समथिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ऑल. सो दिस लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वेयर अ चाइल्ड इज अनेबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी टू एन ऑप्टिमम लेवल, टू एन मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एनी एकेडमिक फील्ड. So we can say that learning disability is a disability where a child is unable to perform anything with relation to its academic domain. Now, जब हम academic domain की बात करते हैं, जब हम शैक्षिक domain की बात करते हैं, so the only thing which comes into our mind is three R's. You might have known about the three R's of a particular academic field. Number one is reading. Number two is writing, and number three is arithmetic. Basically, these are the three skills which are responsible for a child's academic performance. इन्हीं को हम three R's के नाम से जानते हैं. So these three R's are basically responsible for the learning of a child. So what is this three R's? A problem, if a child is particularly having any problem in these three R's, in a broad sense, not in a narrow sense. In a broad sense, if that particular child is having problem in these three R's, that is known as learning disability. So I hope this learning disability, the very root cause of learning disability, is clear to all of you. अगर हम simple सी भाषा में समझें तो learning disability is only problem to understand, to comprehend and to execute the information of our brain of our any session and of any age is learning disability. So कुछ थोड़ी सी learning disability की history की बात भी कर लेते हैं. ये लर्निंग डिसेबिलिटी का जो फर्स्ट टर्म था, इट वाज यूज्ड इन, इट वाज क्वाइंट इन 1990s. इनिशियली अगर कोई भी लर्निंग डिसेबल चाइल्ड होता था, तब हम उसे लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से नहीं जानते थे, हम उसे मेंटली हैंडीकैप कहते थे. बट ड्यू टू द पैसेज ऑफ द टाइम, मेनी गवर्नमेंट सेड इफ यू आर गिविंग अ टैग ऑफ डिसेबिलिटी और हैंडीकैप टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड, इट इज कॉजिंग अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द लर्नर्स. That means, अगर हम किसी को handicap कहते हैं, so indirectly we are just saying that to that we are informing that person that you are not able to do or you are not able to perform this particular action. That means कहीं ना कहीं उस particular child, उस particular person के दिमाग पर negative impact जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, जब मुझे बार बार सामने से कहा जा रहा है कि I am handicapped of doing this, I am disabled of doing this. सो इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इस मेंटल हैंडीकैप वर्ड को रिप्लेस किया लर्निंग डिसेबिलिटी से. और आज के टाइम पे यदि हम किसी भी चीज़ को इन स्पेशली एबल चिल्ड्रन को जानते हैं, तो वो डिफरेंशली एबल चिल्ड्रन के नाम से जाने जाते हैं. इन डिफरेंशली एबल चिल्ड्रन में फिजिकली हैंडीकैप भी आते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड भी आते हैं, मेंटली हैंडीकैप, मेंटली डिसेबल्ड भी आते हैं, एंड सो ऑन. सो आई गेस यू ऑल ऑफ यू नो what is the reason behind calling them differentially able. If I take an example of a blind candidate, means agar uski aankhon mein kuch problem hai, to we all say that that person is unable to watch properly, is unable to see anything. That's all right, because that's a particular handicapness, inability of that particular child. But उस ब्लाइंड पर्सन के पास भी एक पॉजिटिव सेंसेशन, परसेप्शन होता है, जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक बूंद बन जाता है. हम ब्लाइंड पर्सन के लिए पूरी तरीके से ब्रेल टेक्निक को यूज़ करते हैं.
वो किस बात पर डिपेंड रहती है? इसी बात पर कि उनका जो टच सेंसेशन होता है वो बेस्ट होता है. हम टच सेंसेशन, हमारा नॉर्मल पीपल का टच सेंसेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना उनका टच सेंसेशन स्ट्रांग होता है. दैट मीन्स उन पर्टिकुलरली डिसेबल, उन पर्टिकुलरली हैंडीकैप पीपल के पास कुछ एक पॉजिटिव चीज़ है. दैट मीन्स दे हैव सम डिफरेंट एबिलिटी दैट वी नॉर्मल पीपल डू नॉट हैव. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट दैट इज अ टच सेंसेशन, दैट इज देयर डिफरेंट एबिलिटी. सो दैट इज वाई these children are known as differentially able children. So we were talking about its origin. So this term learning disability was coined in 1990. In that time, this learning disabled word was used for those people who were having a normal to subnormal state of performance in academics. They had reduced capability to cope independently, and they have reduced ability to understand, to execute, and to interpret the information. Further, with the new advancements, some more terms were added onto this learning disability. This learning disability was inclusive of many more domains in further time. They were related to something related to reception ability, related to expression ability, related to speaking, related to ability to write, to perform mathematical calculations, to perform something related to their execution of information. सो बेसिकली दिस लर्निंग डिसेबिलिटी का जो डोमेन था वो हल्के हल्के और ज़्यादा एक्सपेंड होता गया, और इसमें वो सारी चीज़ें आने लगी जो किसी भी एक चाइल्ड की एकेडमिक परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैटर करती हैं. इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स भी आने लगी जिसके अंदर की जो भी सारी प्रॉब्लम्स किसी भी एक चिल्ड्रन के लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड होती हैं. किन्हीं भी चिल्ड्रन के अगर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, सो देयर आर फोर स्किल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड. They are L, S, R and W. Listening, speaking, reading and writing. So these four skills are responsible for the language acquisition of a person. Ek bari sunna, L for listening, sunna, speaking, bolna, R reading, that means padhna, and W is for writing. So agar in charo hi skills mein koi problem hoti hai, kahin na kahin problem hoti hai, to us particular child ke language acquisition mein, kisi bhi tarike se bhasha ko seekhne mein, usse janne mein problem aati hai. इसी के बेसिस पे हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज रिसेप्शन, रिसेप्टिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज, एंड नंबर टू इज एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज. व्हेन इट कम्स टू रिसेप्टिव पार्ट ऑफ लैंग्वेज, हियर इज रिसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को रिसीव करना. इन चारों ही चीज़ों में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर रिसीव करते हैं, या तो वो लिसनिंग में करते हैं, हम सुन रहे होते हैं, या फिर हम रीडिंग में करते हैं, हम कुछ पढ़ रहे होते हैं. क्योंकि या तो पढ़ने से हम कुछ सीखते हैं या फिर हम सुनने से कुछ सीखते हैं. लिसनिंग एंड रीडिंग आर अंडर द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज नॉलेज. ऑन द अदर हैंड, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लैंग्वेज इज द मीडियम टू प्रेजेंट योर ओन आइडियाज, योर फीलिंग्स टू द वर्ल्ड. सो जहां हम एक्सप्रेस की बात करते हैं, जहां हम अपने आप को प्रेजेंट करने की बात करते हैं, वो दो स्किल्स होती हैं. नंबर वन इज राइटिंग, या तो हम कुछ लिख के दूसरे को सुनाते हैं या फिर बताते हैं. एंड नंबर टू इज स्पीकिंग, या तो हम बोल के कुछ सुनाते हैं किसी को कुछ बताने के लिए, या हम लिख के सुनाते हैं. सो जैसे जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में और एडवांसमेंट हुए, इन चारों ही स्किल्स को और एड ऑन किया जाने लगा. एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो एकेडमिक फील्ड में यही चार स्किल्स होती हैं जिनकी वजह से किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज इन क्लास थर्ड एंड इफ यू आस्क हिम टू जस्ट लिस्ट आउट सम ओनली फाइव थिंग्स which he uses in his classroom, so only thing that he will be doing is either he will write, either he will speak. या तो वो लिख के आपको बताएगा या फिर वो आपको बोल के कुछ बताएगा. सो इन सारी ही चीज़ों में एडवांसमेंट्स के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी और ज़्यादा एनहांस होने लगा, उसमें बहुत ज़्यादा और टर्म्स आने लगी. इनके लर्निंग डिसेबिलिटी में सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं आती थी, लर्निंग डिसेबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आते थे, क्योंकि मैथ्स इज़ अ वेरी मच इज अ थ्रेटनिंग सब्जेक्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर किसी चीज़ में डर लगता है, इफ़ यू आस्क देम कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, इट इज़ ओनली मैथमेटिक्स. So because mathematics has a different place in every academic domain, so we can say that problem in mathematics also comes under all this learning disability. So if we divide learning disability on all these bases,
can they be divided into two parts? Number one is academic, as I discussed, and number two is non-academic. Now I'll tell you what are the some non-academic things that we consider in learning disability. Just I gave you this example, that if you ask your student to list out only five things in his surrounding or in his classroom, then either he will write or he will just speak up. So this is speaking, this writing or visual problem is not directly related to his academic. Maybe that particular child is very good in mathematics, in doing calculations, in doing complex calculations, but maybe possible उस particular student के अंदर ये problem हो कि वो दूर की distance से देख नहीं पाता हो, या maybe problem maybe हो सकता है कि वो लिख नहीं पाता हो उसके, maybe just for example कि उसकी physically वो handicapped है. तो academic fields में तो सिर्फ हमने इतनी बात की कि उसके marks कितने आते हैं, कितना वो academically strong है and all. बट ऑन दी अदर हैंड अगर नॉन एकेडमिक्स की बात की जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि एकेडमिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आर विजुअल पार, आर लिसनिंग पार, हम कैसे देख पाते हैं वही हमारी एकेडमिक्स मॉनिटर करता है. हम कैसे सुन पाते हैं, अगर आपके पास कोई आपकी क्लास में डेफ चाइल्ड होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग चाइल्ड, आई शुड नॉट से डेफ चाइल्ड, बट हार्ड ऑफ हियरिंग अगर कोई चाइल्ड होता है तो उसके लिए भी आप बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इंक्लूसिव टीचर, यू हैव टू डिज़ाइन, यू हैव टू इम्प्लीमेंट मैनी ऑफ द थिंग्स इन योर क्लास रूम ताकि उसको समझ आए. बट यू कैन नॉट से दैट अ पर्टिकुलर डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग चाइल्ड इज नॉट एट ऑल गुड इन एनी ऑफ द एकेडमिक्स, वी कैन नॉट से. सो ओइंग टू दिस रिजल्ट हम ये कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एकेडमिक फील्ड में भी होती है और नॉन एकेडमिक फील्ड में भी होती है. बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम वी विल जस्ट ओनली फोकस ऑन द एकेडमिक्स ऑफ एकेडमिक डोमेन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, वेयर वी विल टॉक अबाउट इधर रीडिंग, speaking, writing or any coordination problem. So basically when we talk about learning disability or academic domain of learning disability, there are 4 D's, D for Delhi. So there are 4 D's which are responsible, which are known as a type of learning disability. I'm just naming them out first. Number 1 is dyslexia, number 2 is dyscalculia, number 3 is dyspraxia, and number 4 is dysgraphia. Dyslexia, dyscalculia, dysgraphia and dysgraphia. Starting 3 learning disabilities jo hain, dyscalculia, dysgraphia and dyslexia, they are directly related to the academic domain of the field, and number 4 dyspraxia is overall body coordination movement. So now we will first discuss about dyslexia. Isse pehle ki main aapko dyslexia ke bare mein bataun, so main aapko aapki history mein thoda sa le chalti hu. Aapne तारे ज़मीन पर मूवी तो सभी ने देखी होगी, सभी को पता होगा तारे ज़मीन मूवी पर क्या एक रीज़न, किस वजह से तारे ज़मीन पर बनी थी और क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से तारे ज़मीन पर इतनी ज़्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो ये तारे ज़मीन पर मूवी बनी थी वो डिपिक्ट हुई थी. उसमें एक ईशान चाइल्ड था, उसी ईशान चाइल्ड के ऊपर, उसी की डिसेबिलिटी के ऊपर पूरी की पूरी कहानी रिवॉल्व हुई थी. ये जो डिसेबिलिटी थी, उस ईशान को जो डिसेबिलिटी थी वही डिसलेक्सिया थी. सो आई गेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिसलेक्सिया को आपको कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पे जो डिसलेक्सिया होता है इट इज़ नोन एज लैंग्वेज और रीडिंग डिसेबिलिटी. आपको याद होगा ईशान को क्लास में कहा जाता था कि स्पेलिंग लिखिए या फिर साइंस की कोई लेटर लिखिए, कोई वर्ड लिखिए साइंस का, तो वो क्या करता था, अगर ई बनाता था तो उसके दिमाग में ई से रिलेटेड पूरी जो एक ड्राइंग होती है वो बन जाती थी. उसका दिमाग स्पेस में घूमने लगता था, उसका दिमाग आसपास की सारी चीज़ों में ये देखने लगता था कि कहाँ पे उसका माइंड सेट होता था. उसका दिमाग क्लास में बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों पर नहीं रहता था, उनके पीछे की ड्राइंग पर रहता था. वाई? बिकॉज ही वॉज गुड एट ड्राइंग. उसकी जो डिफरेंट एबिलिटी थी वो ये थी कि उसकी ड्राइंग, उसका रिसीविंग, परसीविंग द एनवायरनमेंट वाज वेरी स्ट्रांग. इसीलिए अगर उसको सिंपल सी कोई चीज़ कही जाती थी तो वो उसके पीछे कहानियाँ, जिस तरीके से उसका माइंड मूव करता था, उस जिस तरीके से उसके माइंड में सारी चीज़ें चलती थी, वो सारी चीज़ें आती थी. तो वहीं से रिलेट करते हुए डिसलेक्सिया को मैं समझाना चाहती हूँ. डिसलेक्सिया इज़ लैंग्वेज एंड रीडिंग डिसेबिलिटी. फेयर अगर आप किसी को ये बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने किसी थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, किसी भी ग्रेडर स्टूडेंट के सामने आपने 2 पिक्चर्स रखी हैं, नंबर 1 इज ऑफ हॉर्स एंड नंबर 2 इज ऑफ काउ,
आपने दो इमेजेस रखी हैं एक चाइल्ड के आगे, जिसमें आपने एक हॉर्स रखा है, एक आपने काव रखा है, एंड यू आस्क योर स्टूडेंट एंड यू आस्क योर चाइल्ड विच ऑफ दीज टू इज काव और हॉर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछते हैं किसी बच्चे से कि इन दोनों ही इमेज में से कौन सा हॉर्स है या कौन सा काव है, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड, इमीजिएटली दैट विल दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल से दैट दिस पर्टिकुलर इमेज नंबर टू इमेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग हिम नंबर टू इमेज इज काव. बट फॉर डिसलेक्सिक चाइल्ड वॉट इज द प्रॉब्लम हियर? He will be able to know H-O-R-S-E is horse. That is okay. He is listening to it. That H-O-R-S-E is horse. But problem here is, for him, both the images are of animal. Dono hi images animals ki hain. But uske liye ye janna bahut pareshani ki baat hai ki horse ke andar aisi kya particular cheez hai jiski wajah se wo dono jo animals samne rakhe hain wo alag hain. क्योंकि उसके दिमाग में इस चीज़ का कनेक्शन, इस चीज़ का कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि हॉर्स इज दिस एनिमल एंड काउ इज दिस एनिमल. यहाँ पे दोनों ही चीज़ में एक सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों ही एनिमल्स हैं, बट डिफ्रेंसिएशन क्या है उसका कॉम्प्रिहेंशन उसे नहीं है. आप नंबर ऑफ टाइम्स अगर उसे बताते हैं कि हॉर्स के यूजेज ये हैं, हॉर्स की पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज ये हैं, एंड काउ की पिक्यूलर प्रॉपर्टीज ये हैं, काउ इसलिए यूज किया जाता है, देन ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज बोथ आर एनिमल्स. सो वहाँ पे आपको उस स्टूडेंट को समझ तो आ रहा है कि जो हॉर्स है वो एक एनिमल है, बट विच वन ऑफ देम इज हॉर्स, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ डिसलेक्सिक प्रॉब्लम. वो पढ़ पा रहा है, वो सुन पा रहा है, दैट इज ओके, बट इन मेनी ऑफ द कंडीशंस ये पढ़ना और समझना भी एप्लीकेबल नहीं होता, दैट इज वॉट इज डिसलेक्सिया. आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल, like when we write we have certain set of words, certain sets of set of letters like p q b t w m. in sabhi mein aapko pata hoga kya similarity hai. p aur q mein sirf it is just a different direction of the curve, b and d may be just a different direction of curve, and w and m may be. so what happens with these dyslexic children? Like they have a confusion between P and Q, similarly appearing text, similarly appearing images, similar appearing all the documents that you present before the child, उसका comprehension is a problem for a particular child. अगर आप उसे लिखने को कहते हैं teapot, T-E-A-P-O-T, यहाँ पे T is a single letter जिसका कोई analog, कोई similarity नहीं है, then E becomes एनालॉग, ई की जो थोड़ी बहुत कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है वो बच्चों को सी से हो जाती है. कुछ लोग ई को सी बना देते हैं, कुछ लोग सी को ई बना देते हैं, एंड नॉट इवन चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी एडल्ट ऑल्सो डू दैट. सो जितनी बार वो पी लिखेगा टी पॉट में, जितनी बार वो पी लिखेगा, एवरी टाइम दैट लेटर पी विल बी डिफरेंट. वाई? बिकॉज ही इज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड. कभी वो पी को नॉर्मल पी बनाएगा, कभी वो पी को क्यू बनाएगा, कभी वो पी को डी बनाएगा, एंड कभी वो पी को पी को बी बनाएगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए एवरीथिंग इज सिमिलर. पी क्यू बी डी, इन चारों में ही एक लाइन है और एक सेमी सर्कल है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? उसे कहीं पर भी बना दो. दिस इज द थॉट विद द डिसलेक्सिक चिल्ड्रन. जो लाइन अभी मैंने ही बोली, क्या डिफरेंस है, उसे कहीं पे भी बना दो, इट इज अ प्रॉब्लम विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन. इसलिए उनको नहीं समझ में आता कि अगर मैंने ये बी लिखा है तो बी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डी, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड बोथ ऑफ दीज बी एंड डी सिमिलर फॉर पी एंड क्यू. सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, जहां पे वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं. समझना और कॉम्प्रीहेंड करना ही प्रॉब्लम है डिसलेक्सिक चिल्ड्रन के साथ. कॉम्प्रीहेंड करना, अपने दिमाग में एक कनेक्शन बिठाना होता है. व्हेन आई से टू, इफ आई नो व्हाट डू यू मीन बाय टू, अगर मेरे सामने दो पेन रखे हुए हैं, अगर वो दो पेन दो ही हैं, ये मेरा कॉम्प्रीहेंशन है. अगर दूर से कोई चीज मुझे दो लोग दिखाई देते हैं, इफ आई से कि वो दो लोग हैं, दो का मतलब दो यूनिट, टू यूनिट्स आर नोन एज टू, दैट इज अ डिजिट टू, तो वो मेरा कॉम्प्रीहेंशन. सो दिस इज डिसलेक्सिक, जहाँ पे सिर्फ रीडिंग प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है. I hope it is clear to all of you, and if you have problem then okay. Then the second D which we talk about is dyscalculia. Dyscalculia is similarly, it is just जैसे dyslexia को समझा वैसे ही dyscalculia को समझा जाता है, और dyscalculia का जो दूसरा नाम दिया जाता है वो maths dyslexia दिया जाता है.
सबसे पहले बात शुरू डिसलेक्सिया से इसलिए ही की गई थी क्योंकि डिसलेक्सिया से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है डिसकैल्कुलिया में। जब डिसलेक्सिया में हम बात करते हैं कि वो लैंग्वेज को, वो रीडिंग नहीं समझ पाता है, वर्ड्स को नहीं समझ पाते हैं, बट डिसकैल्कुलिया में समझ ना पाना इज ओनली रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिसकैल्कुलिया प्रॉब्लम। डिसफंक्शन इन कैलकुलेशन इज डिसकैल्कुलिया। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मैथ्स डिसलेक्सिया। दैट इज प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम इन रीडिंग, प्रॉब्लम इन लैंग्वेज ऑफ मैथ्स इज नोन एज मैथ्स डिसकैल्कुलिया, सॉरी मैथ्स डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया। सिंस मैथ्स, अगेन आई सेड अर्लियर ऑल्सो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को डर लगता है, सभी को डर लगता है। सो डिसकैल्कुलिया इज द मेजर डोमेन जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, और हम भी कन्फ्यूज होते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज लर्निंग डिसेबल्ड इन टर्म्स ऑफ डिसकैल्कुलिया और इट इज़ जस्ट नॉर्मल। सो बात करते हैं डिसकैल्कुलिया होता क्या है, आखिरकार ये डिसकैल्कुलिया होता क्या है, कि हम अपने स्टूडेंट्स को टैग तो कर देते हैं कि अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज डिसकैल्कुलिक या पर्टिकुलर चाइल्ड इज मैथ्स डिसलेक्सिया, बट क्या वो है भी या नहीं। मैंने डिसलेक्सिया में एग्जाम्पल दिया था जिसमें बात की थी कि अगर आपने हॉर्स और काउ के एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपने इमेजेस दिए हैं, तो हु विच वन ऑफ दैम एक काउ की तरीके से आप स्टूडेंट का आंसर आएगा। डिसकैल्कुलिया में भी यही प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे परसिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कटआउट लिया हुआ है जिसमें दो डिजिट्स लिखी हैं 6 and 8, राइट? ये दो डिजिट्स अलग अलग लिखी हैं, बट फॉन्ट जो है, साइज जो है 6 का, वो ज़्यादा बड़ा है और 8 का छोटा है। गॉट इट? 6 का ज़्यादा बड़ा साइज है, लिखा हुआ फॉन्ट साइज बड़ा है 6 का, बट 8 का फॉन्ट साइज कम है। नाउ यू कैन इजीली इमेजिन व्हाट अ डिसकैल्कुलिक चाइल्ड विल से। What if you ask which one of them is greater? For a normal child, 8 is greater. Obviously, 8 is greater than 6. But for dyscalculic child, see, उसकी क्या imagination है, उसकी क्या maths का logic है, उसके dyscalculic child का क्या दिमाग का logic है? And if you ask him why, he will say because 6 is looking big as compared to 8. 6 को आपने बहुत बड़ा लिखा है, इसलिए वो 8 से बड़ा है। This is the problem with dyscalculic children. Though there is a logic, obvious logic, कि 6 is smaller than 8 and 8 is greater than 6. But problem क्या है actual, उस logic को समझने की, कि क्यों 6 8 से greater है, बड़ा है, वो logic absent होता है dyscalculic children के अंदर। दूसरा example, अगर जो जैसे मैंने अभी आपको example दिया था, अगर आप अपने फॉर एग्जाम्पल आप अपनी यूनिवर्सिटी, आप अपने कॉलेज, आप अपने ऑफिस, कहीं पर भी आप जस्ट फर्स्ट डे जाते हैं, आप दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज गिव इन यू नो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डिसकैल्कुलिया टू चिल्ड्रन। सो अगर आप ऑफिस के गेट पर होते हैं एंड फर्स्ट डे आप एंट्री लेते हैं, आपसे कहा जाता है, आप गेट कीपर उस गेट के आपको बताते हैं कि आपको 10 स्टेप्स लेने हैं लेफ्ट, पहले 10 स्टेप्स आपको राइट स्ट्रेट जाना है, सॉरी, उसके बाद आपको 5 स्टेप्स लेफ्ट लेना है, देन अगेन गो टेक 10 स्टेप्स स्ट्रेट एंड देन राइट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल को इतना ही समझते हैं। गेट पे मैं खड़ी हूँ, मुझे ऑफिस के अंदर जाना है, गेट कीपर मुझे बोलता है कि मुझे आपको पहले स्ट्रेट लेने हैं, 10 स्टेप्स स्ट्रेट एंड देन 5 स्टेप्स लेफ्ट। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है डिसकैल्कुलिक चाइल्ड के साथ? सबसे पहली बात, उसको ये नहीं पता होता कि वन स्टेप का मतलब क्या होता है। हम यूजुअली स्टेप जो चलते हैं वो वन स्टेप वन, दोनों पैर साथ लेके चलते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या सिर्फ एक ही पैर लेना एक स्टेप है, या दोनों पैर जब मैंने ले लिए वो एक स्टेप है। आई एम टेलिंग यू अगेन, दोनों पैर एक साथ हम जब यूजुअली चलते हैं, 1 2 1 2 ऐसे चलते हैं। डिसकैल्कुलिक चाइल्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या मैंने एक पैर ले लिया तो वो एक स्टेप हो गया, या दोनों पैर जब पूरे आगे पीछे ले लिए तब वो स्टेप हो गया? उसे नहीं पता, वन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, जब उसे अब उसमें कन्फ्यूजन है कि मैंने एक स्टेप ले लिया तो वो हो गया मेरा एक स्टेप, या दोनों स्टेप ले लिए, तो वो जो कैलकुलेशन 10 स्टेप्स कैलकुलेशन है उसको वो समझ नहीं आता। डिसकैल्कुलिक चिल्ड्रन के साथ दूसरी प्रॉब्लम, मुझे ये बोला क्या था, 10 स्टेप्स स्ट्रेट देन 5 स्टेप्स लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट ये डायरेक्शन है या लेफ्ट ये डायरेक्शन है? दिस इज अ मेजर कन्फ्यूजन विद दीज चिल्ड्रन।
उनको डायरेक्शन, अपार्ट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन प्रॉब्लम, उनको डायरेक्शन प्रॉब्लम भी होती है. उनको नहीं पता होता कि लेफ्ट ये है और राइट क्या है. दो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल दी एडल्ट्स. हमें भी कभी कभी हम जाते हैं, हमसे कहा जाता है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो सबसे पहले हम अपना हाथ देखते हैं, किस हाथ से खाना खाते हैं, वो राइट जाना है. बट नहीं, ये प्रॉब्लम इन जनरल प्रॉब्लम है. बट जब ये प्रॉब्लम कैलकुलेशंस के साथ, ये प्रॉब्लम और कॉम्प्रिहेंशन के साथ ऐड हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन पॉइंट, ये सारी डिसेबिलिटीज स्टूडेंट्स में, सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं होती, एडल्ट्स की सारी लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकते हैं, उन्हें भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. सो मूविंग ऑन टू डिसकैल्कुलिया, मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसकैल्कुलिया. सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड द कैलकुलेशंस, बिहाइंड द नंबर्स. उन्हें नंबर्स का कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं पता कि टू का मतलब क्या है, थ्री का मतलब क्या है. अब और थोड़ी मैथ्स में आगे बात करते हैं, तो हमारे पास फोर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ये चार बेसिक ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों के अंदर लिया जाता है. मैंने, आपने जैसे कभी भी साइन बनाया हो, प्लस का साइन बनाया हो या डिवाइड का साइन बनाया हो, डिवाइड का साइन स्लैश में नहीं, डिवाइड का साइन नंबर वन लाइन एंड देन टू डॉट्स. सो व्हाट हैपेंस विद दिस कैलकुलेट चिल्ड्रन, आप अगर उन्हें बताते हैं कि प्लस स्टैंड्स फॉर एडिशन, दिस साइन स्टैंड्स फॉर डिविजन. प्लस का मतलब एडिशन है, जिसमें आपको ऐड करना है. मल्टीप्लाई का ऑप्शन मल्टीप्लाई है, जिसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है. उन स्टूडेंट्स को एवरी टाइम, जितनी बार भी आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, उतनी बार उनको उसका मतलब कुछ और समझ आता है. कभी वो प्लस को डिवाइड समझते हैं, कभी वो प्लस को सिर्फ माइनस समझ सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. उनकी, क्योंकि जो परसेप्शन है, उनका जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो एब्सेंट है. वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं सामने कि मेरे सामने प्लस लिखा है, मेरे सामने डिवाइड लिखा है. बट अर्लियर आई सेड, अगर मैं इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है. दिस इज द लॉजिक, दिस इज द प्रॉब्लम विद दोज चिल्ड्रन. उन्हें उसके पीछे लॉजिक नहीं पता, इसीलिए उनको मैथ्स करने में, मैथ्स के कैलकुलेशन सॉल्व करने में, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज अ बेसिक प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर दीज डिसकैलकुलेट चिल्ड्रन. So the it was the second type of learning disability, that is dyscalculia. Number one was dyslexia. Moving on to the third part of learning disability, it is dysgraphia. Dysgraphia is related to, again, when we divide this term dysgraphia, it is dys plus graphia. That means there is a problem in graphical problem, graphics of something. Graphic, when we talk about graphic, graphic is to draw something graphically, to draw something graphically, to present a graphical view. So dysgraphia is related to writing problem, writing. When we write something, आपने देखा होगा, जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं कुछ लिखना, तब हम बच्चों को एक नॉर्मल सी स्टेशनरी शीट देते हैं. स्टेशनरी शीट, फॉर एग्जांपल मैथ्स की अगर कॉपी देते हैं तो मैथ्स में अलग अलग चेक बॉक्स होते हैं. इंग्लिश की देते हैं तो इंग्लिश में लाइंस बनी होती हैं, हिंदी में भी बनी होती हैं. सो व्हाट दे डू इन डिसग्राफिया, देर इज अ प्रॉब्लम इन राइटिंग. वाई? बिकॉज व्हेनेवर दे राइट समथिंग, उनका लिखने का प्रॉब्लम, उनको पेंसिल पकड़ने का प्रॉब्लम आता है. For example, if they write something, like for just for a simple sense, अगर आप उनको एक पेंसिल पकड़ने के लिए देते हैं, and if you write, कि उन्हें कुछ, if you say to write something, so सबसे पहला जो symptom होता है dysgraphia का is in holding capacity. कुछ लोग होते हैं जो पेन को बहुत पास से पकड़ते हैं, बिल्कुल निब से पकड़ते हैं, उसके पॉइंट से पकड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल जो डेड एंड से पकड़ते हैं, पीछे से पकड़ते हैं, एंड कुछ लोग जो नॉमिनल होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन बिल्कुल पास से पकड़ता है तो उसको डिसग्राफिया है, या बिल्कुल पॉइंट से पकड़ता है तो उसे डिसग्राफिया. दिस इज नॉट द केस. बट अगर कोई चाइल्ड इसी सारी चीज़ों को रिपीटेडली करता है, हमेशा वो पेंसिल या पेन या वट एवर इज द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बहुत पास से पकड़ता है या बहुत पीछे से पकड़ता है, जिसकी वजह से उसकी राइटिंग डिस्टॉर्ट होती है. समटाइम्स वॉट हैपन्स, हम जब पेन को जिस तरीके से होल्ड करते हैं, वैसे हमारी सारी चीज़ें ही, हमारी राइटिंग भी वैसे ही मॉनिटर हो जाती है.
सो जब हम किसी भी चीज़ को पीछे से, अगर मान लीजिए पेन को बहुत पास से पकड़े, तो दिस इज़ माई चॉइस बिकॉज आई एम डूइंग दैट, मैं, मेरी चॉइस है कि मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ. बट इस पोजीशन की वजह से अगर मेरी हैंड राइटिंग डिस्टॉर्ट हो रही है, कुछ ऐसा लिख रही हूँ मैं ताकि किसी को समझ नहीं आ रहा है, मेरी हैंड राइटिंग इधर उधर जा रही है, मैं एक ही वर्ड को मतलब कई तरीकों से लिख रही हूँ, मैं एक ही प्रॉपर वर्ड को अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ. एक अगर ई बनाना है, सी बनाना है, कोई भी लेटर बनाना है, तो वो क्लियरिटी मेरी हैंड राइटिंग में नहीं है. दिस बिकम्स डिसग्राफिया. डिसग्राफिया में जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी हैंड राइटिंग में आती है. जब भी आप कभी डिसग्राफिक चाइल्ड के सिम्टम्स पे जाते हैं या फिर उसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो भी ट्रीटमेंट करने वाले लोग देखते हैं या फिर सबसे पहले स्पेशल एडुकेटर नोटिस करते हैं, वो नोटिस किया जाता है, वो चीज़ की जाती है उसकी हैंड राइटिंग पे. कैसे उस पर्टिकुलर चाइल्ड की ग्रिपिंग है उस पेंसिल के ऊपर, कैसे वो ग्रिप करता है पेन को, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है रिटन पोर्शन का, रिटन टेक्स्ट का, किस तरीके से वो लिखी हुई चीज़ को क्लियरिटी के साथ लिखता है, वो सिम्टम्स बनते हैं डिसग्राफिक चिल्ड्रन के ऊपर. सो डिसग्राफिया इज ओनली एंड ओनली रिलेटिंग टू राइटिंग प्रॉब्लम. सो बेसिकली दीज थ्री वर द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली रिलेटेड टू एकेडमिक्स. नंबर वन वॉज डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, एंड नंबर थ्री वॉज डिसग्राफिया. नंबर फोर इज डिसफ्रेक्सिया. दिस इज द फोर्थ डी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, दैट इज डिसफ्रेक्सिया. दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एकेडमिक्स, बट सिंस इट इज़ कंसिडर टू बी अ प्रॉब्लम विद द लर्निंग डिसेबल, सो दिस डिसफेक्सिया इज रिलेटेड टू मोटर कोऑर्डिनेशन, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी बॉडी को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ नॉर्मल वॉक कि हम जब चलते हैं तो हमारे लेफ्ट पैर के साथ राइट हैंड आगे आता है, जो कि हम आच पास में यूजुअली करते हैं. लेफ्ट पैर के साथ राइट हैंड आगे आता है एंड राइट पैर के साथ लेफ्ट हैंड आगे आता है. दैट्स गुड, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल वॉकिंग. बट वॉट हैपन्स अगर एक कोई चाइल्ड इसी कोऑर्डिनेशन को मैनेज नहीं कर पाता है. आप नॉर्मली चाइल्ड से कह रहे हैं, एक स्टूडेंट से कह रहे हैं कि जस्ट यू गो, कि आप नॉर्मल से चल के दिखाइए, बट उस प्रॉब्लम, उस चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि या तो वो सिर्फ पैर का ही मूवमेंट कर पाएगा या फिर वो हाथ का मूवमेंट कर पाएगा. हाथ और पैर के मूवमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन वो कर नहीं पा रहा है, दैट बिकम्स डिसफेक्सिया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोग चल रहे होते हैं, ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप चल रहे होते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं, तो या तो पैरों का ही मूवमेंट कर पाते हैं या फिर हाथ का मूवमेंट कर पाते हैं. इफ दिस कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर, देन यू कैन से दैट there may be a disability with that particular child, क्योंकि उसको अपनी body का coordination नहीं हो रहा है. अब जैसे for example, आपने किसी particular child से बोला कि आपको shoelace tie करने हैं, अब वो अपने shoes के जो laces हैं वो आराम से नीचे बैठ कर tie करने बैठता है. अब उसको जब शू के लेसेस टाई करने हैं, बांधने हैं, तो उसको ये या तो एक ऐसी हाइट पे बैठना होगा जिससे उसके हाथ उसके पैर तक पहुंच सके, या उसको नीचे ज़मीन पर अपने पैर के पास बैठना होगा. बट अगर उसको ये प्रॉब्लम है कि वो अपने हाथ से अपने जूते के फीते शू लेसेस टाई नहीं कर पा रहा है, या तो वो बैठ ही सकता है या फिर वो अपने हाथ मूव कर सकता है, या तो वो उंगलियों की हेल्प से अपने शू लेसेस को टाई कर सकता है या फिर अपने वो हाथ का मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ओनली फिंगर्स आर नॉट ओनली यूटिलाइज, आप किसी चीज़ को इधर से उधर भी उठा के रखते हो, आप खुद भी मूवमेंट करते हो. सो अगर ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है तो दैट बिकम्स डिसफेक्सिया. सो इन ओवरऑल वी कैन से डिसफेक्सिया इज ओनली मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जहाँ पे कि आपकी मोटर एबिलिटीज वो एबिलिटी होती है जहाँ पे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है. वरादर इट कैन बी फाइन मोटर स्किल्स एंड और इट कैन बी ग्रॉस मोटर स्किल्स, दोनों ही तरीकों से या तो हमारी छोटी छोटी बोन्स का, छोटी छोटी पार्ट्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है या पूरे बॉडी पार्ट का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, वो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है. सो ओवरऑल वी हैव, सो दिस इज हाउ वी हैव फोर लर्निंग डिसेबिलिटी, एकेडमिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड वी कैन से ओनली फोर डीज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी: डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया एंड डिसफेक्सिया. सो दे वर द फोर लर्निंग डिसेबिलिटीज. आई होप दे ऑल वर क्लियर. बट अब हमने जब बात की कि इतनी सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, तो ये तो स्पेसिफिक हो गई, या तो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है या फिर रीडिंग में प्रॉब्लम है या फिर अपने बॉडी के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है या हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है. बट इन जनरल, व्हाट आर अ सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी,
ये जितने भी सिम्टम्स की बात की वो सारी ही चीज़ें, वो जितनी भी सारी चीज़ों को हमने बात की, ये सारी ही की सारी चीज़ें सिम्टम्स होती हैं सारे लोगों की। आई हैव अ क्वेश्चन। ओके मिस्टर संजीव कुमार, ही हैज़ अ क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व डिसग्राफिक प्रॉब्लम। ओके लेट मी जस्ट डिस्कस अबाउट द जनरल सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज लर्निंग डिसेबिलिटी, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो आफ्टर getting all these information from all these 4Ds for different types of learning disability, there are some general symptoms of LDs of learning disability. So specifically from इन सारी ही चारों चीज़ों से अगर हम देखते हैं तो या तो problem reading में है, या writing में है, calculations में है, या फिर उसके motor coordination में है। But क्योंकि इन चारों ही चीज़ों में problem है, चारों ही चीज़ें important है, इसलिए एक problem और inherit होती है, एक problem और आती है, which is socialization. सोशलाइजेशन मीन्स किस तरीके से कोई भी एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड के साथ सोशलाइज करता है, कैसे अपने आप, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। हर एक जो इंसान होता है उसका सामाजिक, समाज से रिलेशन होता है, समाज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो क्योंकि एक तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, किसी भी तरीके से पढ़ नहीं पाता, उसको चाहे मैथ्स में प्रॉब्लम है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है, तो क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ बार बार बोली जाती है दैट यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर नॉट गुड एट इन योर हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। ये दीज आर द यूजुअल एंड जनरल यू नो कॉमन्स जो कि उसको क्लास में मिलते हैं, उसके टीचर बोलते हैं, उसके साथ के पीयर ग्रुप बोलता है। सो इन सारी चीज़ों से एक दूसरी चीज़ इवॉल्व होकर आती है, दैट इज सोशलाइजेशन। उसकी सोशलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, सो रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो शब्दों को नहीं पढ़ पाता, वो शब्दों को पढ़ के समझ नहीं पाता। उसने बोला सी ए टी इज कैट, बट कैट का मतलब क्या नहीं पता उसे, डिसलेक्सिक है, ये कैटेगरी डिसलेक्सिक है, बट उसको नहीं पता सी ए टी का मतलब, कैट का मतलब क्या, डी ओ जी डॉग का मतलब क्या, एस यू एम सम, सम इज सम मीन्स टू ऐड, बट ऐड किसको करना है, ऐड कैसे करना है, माइनस किसी को करना है, कैसे करना है, ये सारे जनरल सिम्टम्स आते हैं। कुछ जनरल सिम्टम्स आप क्लास में बैठे किसी चाइल्ड को देखकर भी बता सकते हो। यूजुअल जो एक जनरल सा सिम्टम है दैट इज पुअर पोस्चर। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही स्लगिश तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कुछ बच्चे हमेशा डेस्क पे इस तरीके से ऐसे करके बैठे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पीछे अपनी जो टेप सीट होती है उसकी से आराम से बैलेंस कंट्रोल करके रहते हैं, कुछ बच्चे जो डेस्क पे हमेशा लेटे रहते हैं, और कुछ अलग अलग पोस्चर होते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, राइट। ये सारी पुअर पोस्चर प्रॉब्लम से आप एक फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्टर अप्लाई कर सकते हो कि मे बी दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज हैविंग अ लर्निंग डिसेबिलिटी। बट रिमेंबर, एक बारी चाइल्ड स्ट्रेट नहीं बैठा, यू आर आस्किंग हिम कि आप सिट स्ट्रेट, बट वो पर्टिकुलर चाइल्ड स्ट्रेट नहीं बैठ रहा, एक दिन नहीं बैठा, इट इज़ ओके। एक दिन किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आना इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम आती है और आपने कह दिया, मान लीजिए फॉर बेसिक एग्जाम्पल, अगर आपको ने भी कभी 2+3 5 की जगह 6 लिख दिया तो नो वन विल से कि यू आर अ डिसकैल्कुलिक चाइल्ड, राइट। सो इन दैट वे, सिमिलर वे, यू शुड नॉट टेल योर चाइल्ड, इवन ये जो इंस्टेंसेज है वो सिर्फ एक या दो या तीन बार ही हो रहे, यू हैव टू हैव सम कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। सो यही कुछ जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, पुअर पोस्चर होता है, उनको डायरेक्शन प्रॉब्लम आती है, उनको डायरेक्शन नहीं पता होता। इन चिल्ड्रन के साथ और प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपने उनको एक इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन, तीन इंस्ट्रक्शन बैक टू बैक दे दिए, बैक टू बैक। फॉर एग्जांपल, बीइंग अ टीचर, मान लीजिए आप अपने बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं एंड इफ़ यू सी दैट एक पर्टिकुलर चाइल्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेटली बैठा हुआ नहीं है, ना ही वो नोट कर रहा है और वो अपने पास वाले फ्रेंड से बात कर रहा है। अब आपके पास तीन इंस्ट्रक्शन हैं उसे देने के लिए। पहला इंस्ट्रक्शन, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो। दूसरा इंस्ट्रक्शन, नोट जो कि सामने मैं लिख रही हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट करो। थर्ड इंस्ट्रक्शन इज कि आप डिस्टर्ब ना करो, साथ वाले स्टूडेंट से बात नहीं करो। अब आपने तीन इंस्ट्रक्शंस दे दिए, बैक टू बैक दे दिए उस बच्चे को जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है। अब इन तीनों में वो सबसे पहले डिसाइड कर पाएगा, मैं सबसे पहले क्या करूँ, सबसे पहले सीधे बैठूँ, अपने दोस्त से बात करना बंद करूँ, या लिखना शुरू करूँ। मे बी पॉसिबल उसके लिए लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, पोस्चर तो कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे भी बैठ सकता हूँ, दैट्स माई ओन चॉइस। सो ये तीन जो उसको आपने ऑप्शन दिए, इसी में उसको कन्फ्यूजन है, राइट। उसको वो तीन आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन इन तीनों इंस्ट्रक्शन को साथ के साथ फॉलो करना, उन तीनों सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ लेके चलना इज अ प्रॉब्लम फॉर LDs कॉमनली। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट LDs नाउ, किन्हीं भी एक पर्टिकुलर
किन्हीं भी एक पर्टिकुलर साइट के लिए, किन्हीं भी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए आई एम नॉट टॉकिंग. दे आर ओनली द जनरल सिम्टम्स ऑफ यू नो और एलडीज. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम, दे हैव डायरेक्शन प्रॉब्लम, दे हैव इंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम, दे कैन नॉट मैनेज देयर थिंग्स प्रॉपरली. मैनेज यहाँ पे सिर्फ अपने सामान को रखना नहीं है, उनकी जो टेबल होगी वो क्लटर्ड नहीं होगी, उनके साथ साथ उसके जो लिखने के टेक्स्ट हैं वो भी क्लटर होंगे. आपको नहीं पता चलेगा कि एक चैप्टर कहाँ खत्म हो गया और दूसरा चैप्टर कहाँ शुरू हो गया, कहाँ पे 2+3 का आंसर 5 हो गया और कहाँ पे उसी के आगे 5+6 का आंसर 11 हो गया. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन देयर वर्क. चाहे आप उनके रिटन पोर्शन में रिटन टेक्स्ट की बात करो या फिर आप उनके पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, इवन देयर ड्रेसिंग सेंस, इवन देयर कोऑर्डिनेशन, इवन देयर पर्सनल प्रेजेंटेशन इज नॉट एट ऑल राइट एंड अप टू द मार्क फॉर लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन. ये सारी प्रॉब्लम्स उनको लर्निंग डिसेबल बनाती हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी, इन्हीं सारी चीज़ों के की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है जिसकी की जो वजह बनती है वो है सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है, सिंस क्योंकि एक बहुत ही जनरल सा एक थॉट होता है कि अगर मान लीजिए क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसी के खुद के साथ बच्चे ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुमको तो कुछ नहीं आता, तुम्हारे तो मार्क्स ही ऐसे आते हैं. तो इनकी वजह से जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड होता है उसका खुद का सेल्फ इस्टीम, उसका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लो हो जाता है. वेन वी टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट, वेन वी टॉक अबाउट सेल्फ इस्टीम, इसका मतलब होता है कि मैं अपने बारे में हाउ मच, व्हाट इज द ग्रेड दैट आई गिव टू माई सेल्फ. मैं अपनी वर्थ क्या समझती हूँ, मुझे क्या पता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को वैल्यू करती हूँ. वो वैल्यू जो मैं खुद को देती हूँ वो मेरी सेल्फ इस्टीम होती है, और मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो सेल्फ कॉन्सेप्ट होती है, राइट. सो दीज थिंग्स डिनोट्स द सोशलाइजेशन प्रॉब्लम. क्यों? जब मुझे हर बारी बोला जा रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है. रिमेंबर ईशान के साथ जो प्रॉब्लम थी डिसलेक्सिया में या तारे ज़मीन पर. अगर आपको एलडी समझना है, किसी भी एक पर्सपेक्टिव से समझना है, तो उस मूवी को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. मुझे बार बार बोला जा रहा है कि मेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, मुझे खुद में लगेगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मैं किसी के लिए भी अच्छे काम के लिए नहीं हूँ. उसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो हुआ, मेरा सेल्फ एस्टीम लो हुआ, जिसकी वजह से मुझे दूसरों से बात करने में प्रॉब्लम होगी, एक हिचकिचाहट मेरे अंदर होगी, जिसकी वजह से मैं दूसरों से बात ही नहीं करूँ. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने सामने वाले से बात इनिशिएट भी किया तो क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो वो सामने वाला मुझे और लो फील कराएगा. जब और लो फील कराएगा तो बेटर है मैं किसी से बात ही ना करूँ. तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, दैट इज सोशलाइजेशन. अब जब सोशलाइजेशन ही नहीं है मेरा, मैं किसी से सोशलाइज ही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम मेरे बिहेवियर में आती है. यूजुअली एलडीज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वो एंशियस होते हैं, वो या तो अलूफ रहना चाहते हैं, बिल्कुल वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, या वो अपनी ही खुद के परसेप्शन में खुद का ही परसेप्शन क्लियर मान के उसी को फॉलो करते रहते हैं. बट प्रॉब्लम इज उन्हें खुद के परसेप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती. So they are the similar, you know, some of the characteristics of learning disability. बहुत ज़्यादा इसके general symptoms हैं, but इतने सारे symptoms को in general terms में इतना ही हम ऐसे ही समझ सकते हैं किसी के personality को देखकर, किसी के understanding को देखकर. So एक question था कि हम dysgraphia को कैसे treat करते हैं. Dysgraphia क्योंकि language related, क्योंकि प्रॉब्लम होती है कि हम लिखने में कैसे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं. तो आपने देखा होगा शायद, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा होगा, आई डोंट नो वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट बचपन में पेंसिल आती थी, अभी भी आती हैं नो डाउट. थोड़े थोड़े जब बड़े हुए तो पेन आते थे, पेन में ग्रिपिंग होती थी, कुछ ग्रिपिंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. सो मॉन्टेक्स के पेन आते थे, सेलो ग्रिपर के पेन आते थे, जिसमें कि ग्रिपिंग हुआ करती थी. मॉन्टेक्स के पेन में इफ आई करेक्टली रिमेंबर बहुत छोटे 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 डॉट्स होते थे, और दिस सेलो ग्रिपर के पेन में जो डॉट्स होते थे वो थोड़े बड़े हुआ करते थे. सो कभी आपने सोचा वो जो ग्रिपिंग होती है उसका क्या यूज़ होता है? ताकि बच्चों की जो यूजुअली पेन को जब पकड़ते हैं तो बच्चों की जो ग्रिपिंग होती है वो ठीक रहे, आगे पीछे पेंसिल या पेन मूव ना करे, ताकि उनकी स्पेलिंग या जैसे भी वो लिख रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो. इन्हीं चीज़ों की हेल्प से हम डिसग्राफिया ट्रीट कर सकते हैं. सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है कि हम किसी भी पेंसिल को, किसी भी राइटिंग थिंग को हम
कैसे जिस भी चीज़ से हम लिख रहे हैं वो हम लिखें कैसे, सबसे पहले हमें हाथों की कोऑर्डिनेशन उस स्टूडेंट की प्रॉपर बनानी होती है ताकि वो पेंसिल को सही पकड़ सके। इफ़ आई से कि अगर आप डिस्ग्राफिया को ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस बच्चे को पेंसिल को प्रॉपरली पकड़ना सिखाना होगा। वो बच्चे पेंसिल ठीक से पकड़ ही नहीं पाते, उनकी पेंसिल स्लिप होती रहती है, वो मतलब कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है। आपको उसे पकड़ने के लिए अच्छे से वो पेंसिल पकड़ सके और उनका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाना होगा। जैसे हम छोटे बच्चों के साथ जब उन्हें कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी लिखना बताते हैं, तो हम छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के कुछ ना कुछ लिखवाते हैं। सो अगर ऐसे इन जनरल प्रॉब्लम परसिस्ट करती है कि हम किस तरीके से लिखते हैं, लिख पा रहे, हमारे हर एक लेटर एकदम करेक्ट बने, कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हो, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर फिंगर्स विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आप पहले उसका हाथ पकड़ के लिखना सिखाएंगे, मूवमेंट सिखाएंगे। आप जब लिखते हैं तो आई थिंक ये दिस इज विजिबल, ये जो मूवमेंट होता है ऐसे मूवमेंट करके ही आप पेन या पेंसिल से कुछ लिखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन आपको इम्प्रूव करना होगा, वैसे आप डिस्ग्राफिया प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप आई गिव दिस आंसर एंड मे बी मुझे लगता है कि शायद ये क्लियर हुआ होगा। सो थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से इन जनरल इन सारे ही लर्निंग डिसेबिलिटी को ट्रीट करते हैं। हम अगर ट्रीट करना चाहें, वैसे तो हर एक लर्निंग डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, बट अगर हमें लगता है कि किसी भी तरीके से कोई एक चाइल्ड, इफ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न वॉट वी टीच देन वी हैव टू modify our ways so that he can learn। टीचर का काम यही होता है कि अगर आपका स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको ऐसा आप तरीके से मॉनिटर करो ताकि वो सीख पाए जो आप सिखाना चाहते हो, राइट, या फिर वो सीख पाए जो कि वो किसी भी तरीके से आप उसका टेक्स्ट बताना चाहते हो। सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम किसी भी तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो रेक्टिफिकेशन होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एंड सबसे पहली बात फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स की बात हम सबसे पहले करते हैं। हमें ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके, हमें इन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी करके उनको उन्हीं की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम प्लान करना होता है। हमें वैसे ही पॉलिसीज बनानी होती हैं। आजकल के टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन हर एक जगह पर है और हर एक लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हर एक स्कूल कर रहे हैं। तो हमें, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी विजिबल डिसेबिलिटी नहीं होती है, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद लर्निंग डिसेबिलिटी। आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि उसको डिसकैलकुलिया है, उसको डिसलेक्सिया। क्या ईशान को देख के लगता था कि उसे डिसलेक्सिया है? नहीं, कभी नहीं देख के बता सकते आपको, क्योंकि वो विजिबल नहीं है। आपको क्लास में देख कर आप नहीं बता पाएंगे कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफिकेशन विल डेफिनेटली टेक टाइम। जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करनी होती है, कॉन्सिक्यूटिव रिकॉर्ड्स चाहिए होती है, एंड वंस यू नो दैट योर पर्टिकुलर चाइल्ड इज एलडी, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू फर्स्ट हैव टू प्लान अ डेफिनेट करिकुलम विथ रिलेशन टू द डिसेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। यही काम पॉलिसी मेकर्स का होता है। पेरेंट्स के ऊपर जब बात आती है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो वार्ड्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो हर एक फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे से ग्रेड्स लाएं। ठीक है, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको बार बार ना बोले कि यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स इज अ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सिंस इट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सो यू हैव टू स्कोर दिस मच मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स। नो, यू शुड नॉट डू दिस। दिस इज वॉट यू आर गिविंग अ यू नो बर्डन ऑन टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड्स माइंड, दैट मुझे तो कुछ भी करके मैथ्स में मार्क्स लाने, और मैथ्स में तो मुझे कुछ भी नहीं आता। सो क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे सोशलाइजेशन प्रॉब्लम है एंड ऑल, तो उससे सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। सो आप बींग अ पेरेंट किसी को ये मत कहिए कि उस पर्टिकुलर चाइल्ड को मत कहिए बार बार कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, बट यू शुड हेल्प दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन ऑर्डर टू maximize his particular learning in any field. So at last what I can say is कि हमें particular child को, किसी भी एक particular child को अगर मुझे लगता है कि उसको learning disability है, so इसकी जगह कि मैं उसको ये बताऊँ कि learning disability है या किसी भी तरीके की disability है, उसकी जगह मुझे उसको ये बताना चाहिए कि आप किस particular field में good हैं, किस आप particular field में अच्छे हैं। सो एट लास्ट, जो कि हम हमेशा कहते हैं तारे ज़मीन पर ही की लाइन है, कि हमें
उनके ही भी बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, उसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, नॉमिनेशन आप किसी को नॉमिनेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट नॉमिनेशन इन टर्म्स ऑफ उसको एक टैग दे देना, नेवर डू दैट। कभी भी उसको टैग नहीं दीजिए कि आप लर्निंग डिसेबल्ड हैं। हमें उनके साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव रहना है, ऐसे उनके साथ कोऑपरेटिव रहना है, ताकि वो छोटे छोटे जो स्टार्स हैं, छोटे छोटे जो तारे हैं, वो कहीं खो नहीं जाएं। ये एक गाना भी है मूवी का कि खो ना जाएं कहीं ये तारे ज़मीन पर। सो थैंक यू विद दैट, एंड आई थिंक ये लर्निंग डिसेबिलिटी का जो सेशन है थोड़ा छोटा सा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को यूज़फुल रहा होगा। एंड इसी पर्सपेक्टिव के साथ जो जितने भी वुड बी टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं एंड जो बनने के प्रोसेस में हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने सारे ही स्टूडेंट्स के साथ एक कोऑपरेटिव नेचर के साथ अच्छे से उनको डील करेंगे और अच्छे से बताएंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। थैंक यू वेरी मच and all the best to all the would be teachers for their future, because you are the only future of our country, jahan pe ki aap classroom mein jaake aap share karenge aur aap hi classroom mein jaake india ka, not only india, kisi bhi country ka future shape karte hain। thank you very much and all the best।